की खबरें हैं। जीएम ब्रिवरीज के नंबर्स कुछ देर पहले आए, मुनाफा घटा है कंपनी का, आय में जरूर बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन तो नतीजे अगर देखेंगे तो काफी मिले जुले हैं, लेकिन स्टॉक में देखिए नतीजों के बाद एक शार्प फॉल आया और 5% की गिरावट इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। रोहित, जीएम ब्रिवरीज के चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? पूजा, ऑन इमीडिएट बेसिस अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, 650 रुपए का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है जहां से हम लोग ने प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट देखे थे, बट कहीं ना कहीं आफ्टर रिजल्ट्स थोड़े हेवी सेल ऑफ के वॉल्यूम है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर किसी के पास में पोजिशन है तो मुझे लग रहा है कि 650 का आप एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाए, 650 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है पूजा, मेरा जो व्यू रहेगा पॉजिटिव रहेगा, मुझे लग रहा है कि यहां से आप एक बार पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर 650 लेवल सर्वाइव किया तो। अगर ने लिया है तो 650 का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर की तरफ फिर मुझे लग रहा है कि यहां से एक बार 720 750 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे बेस के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, होल्ड करने की सलाह रहेगी अगर किसी के पास में पोजीशन है तो। ठीक है, तो होल्ड करने की राय है, 650 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आप लगा सकते हैं और यहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो लेवल सही है, अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो करिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। 650 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान आप जरूर रखिए।